हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल द विटी टॉटल। और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसमें हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक कर लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये क्योंकि एक ईजी क्वेश्चन है तो मैं आपको बुक का ही सोल्यूशन दिखाकर समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। सो क्वेश्चन बोल रहा है, अ फर्म ऑफ इंजीनियर्स अंडरटुक थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स बिगिनिंग ऑन 1 जनवरी, 1 मई, 1 अगस्त 2015। सो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों ने लिया था जो कि तीन अलग अलग डेट्स पर स्टार्ट हो रहा था। देयर अकाउंट्स ऑन 30th नवंबर 2015 शोड द फॉलोइंग पोजिशन। सो जितना भी डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, ये सब कौन से डेट के लिए दिया है? ये सब दिया है फॉर ऑन 30th नवंबर 2015। तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो दे दिया है, मटेरियल्स का वैल्यू सबका गिवन है, फिर यहाँ पे गिवन है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है और वर्क सर्टिफाइड के लिए कैश कितना रिसीव हुआ है। अगेन वर्क अनसर्टिफाइड कितना है ये भी हमें दिया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, फिर जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये भी दिया है। अभी अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला देती हूँ कि इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जिसमें कि वेजेस आउटस्टैंडिंग और जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अलग से दिया था, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे तो वेजेस ये है 22,000 एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग ये है आपका 700 रुपीज़। ये दोनों मिलाकर एक ही जगह पे लिखा जाएगा, टू वेजेस इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और टोटल आ जाएगा 22,700 रुपये। अगेन यहाँ पर दिया है कि प्लांट इंस्टॉल्ड, कितने रुपए का प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया गया था, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि ऑन 30th नवंबर मटेरियल कितना ऑन हैंड है उनके पास। फर्दर क्या बोल रहा है, ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बींग टेकन एट 15%। सो बोल रहा है कि प्लांट जो भी इंस्टॉल किया गया था उसका जो डेप्रिसिएशन है हमें कितना डालना है, 15% पर एनम। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आप लोगों को याद होगा ही कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो जो डेबिट साइड है उसमें हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, मटीरियल ऑन हैंड या फिर कितना मटीरियल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, और उसके साथ साथ जो WIP अकाउंट है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, उसका भी जो भी वैल्यू गिवन है वो हम लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कि जहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही तीन ठो कॉलम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तीन ठो कॉलम बनाते हैं तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1, फॉर कॉन्ट्रैक्ट 2 एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट 3। सो मटीरियल अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट गिवन है मटेरियल्स। मटेरियल्स यहाँ पे दिया है 14,400, ये भी दोनों गिवन है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और मटेरियल का गिवन है, नहीं गिवन नहीं है। सो हम लोग ये जो वैल्यूज है डायरेक्टली अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे। फिर है वेजेस, वेजेस में यहाँ पर दिया है वेजेस आउटस्टैंडिंग। सो यहाँ का जितना भी वेजेस है प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना होगा वो हम लोग अपने डेबिट साइड में डाल देंगे, एंड द सेम गोज फॉर जनरल एक्सपेंसेस ऑल्सो। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर हमें और क्या क्या करना है। सो यहाँ पर अगर आप लोग भूल रहे हैं तो ये चीज़ को हमेशा ही एग्जाम में ध्यान में रखें कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पर डेबिट साइड में आपका जितना भी प्लांट इस्तेमाल हुआ है उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा, उसको भी हमें कंसिडर करना है। सो यहाँ पर जो प्लांट इंस्टॉल्ड है वो कितना दिया है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1 ये 4,000 रुपये का है, कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए ये है 3,200 रुपीज़ एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट 3 दिस इज फॉर ₹2,400। और हमें क्या बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है वो कितना हो जाएगा, 15% पर एनम। अभी क्योंकि बोला है पर एनम और यहाँ पे हमें तीन अलग अलग डेट्स दिया गया है कि तीन अलग अलग डेट्स पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। सो जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ वो 30th नवंबर तक में कितना दिन हो गया रहेगा,
11 महीने हो गए रहेंगे। ये हम लोग इसका जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वन का, जो प्लांट इंस्टॉल हुआ है 4,000 रुपये का, उसके लिए जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने महीनों का होगा? फॉर 11 मंथ्स। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई से, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने जो हैं, 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारे हाथ में कितने महीने हैं? मई से लेके नवंबर तक, यानी कि 7 महीने बाकी है हमारे पास। सो ये जो प्लांट है 3,200 रुपीज का, ये कितने दिनों तक यूज होगा? 7 मंथ्स तक। वैसे ही 1 अगस्त, अगस्त से जो स्टार्ट हुआ है वो कितने महीनों तक यूज होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीनों के लिए ये है यूज हो जाएगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन में एक बार कि डिप्रिसिएशन यहाँ पर जो कैलकुलेट किया है 4,000, 3,200 एंड 2,400, ये है हमारे प्लांट का वैल्यूज। और 15% डिप्रिसिएशन डाल देंगे, और फर्स्ट वाला है 11 महीने के लिए, सेकेंड वाला है 7 महीने के लिए, और थर्ड वाला है 4 महीने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में देखते हैं कि मटेरियल ऑन हैंड कितना है। क्वेश्चन में ये हमें ऑलरेडी गिवन है पहले से ही। और जो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है, ये इसका वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो अब हम लोग ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को, तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो अकाउंट है उसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस करने पर जो नोशनल प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ दो अकाउंट्स के लिए आ रहा है, दो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आ रहा है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एकदम थोड़ा सा ही प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है उसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे उसके दोनों साइड को, तो यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। या जहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस दिखेगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे नोशनल लॉस नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्रेडिटेड बाय पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? बाय पीएनएल अकाउंट, और जितना भी वैल्यू आया रहेगा उसको लिख के आपको दोनों साइड को बैलेंस आउट करना है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये जो नोशनल प्रॉफिट है जो यहाँ पर कैरी डाउन हुआ था उसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेंगे। उसको करने के बाद हम लोग जैसे नॉर्मली ही प्रॉफिट लॉस का कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है पीएनएल अकाउंट में, कितना रिजर्व्स में डालना है, उसको ऐसे ही दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। सो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गया अच्छे से। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी एंगेज्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2015। सो यहाँ पर ये जो टेबल में हमें सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट का जितना भी इन्फॉर्मेशन है गिवन है, मतलब अमाउंट रिसीव, मतलब कितना अमाउंट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव किया है। वैसे यहाँ पर जो मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस एंड प्लांट का वैल्यू दिया है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टी से हमने मटेरियल्स के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं, वेजेस के लिए 1,80,000 रुपीज लिए हैं, एक्सपेंसेस के लिए 47,000 लिए हैं, और प्लांट के लिए हम लोगों ने 2,50,000 लिया है। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्ट हुआ था, और हम लोग जो अभी बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो कौन से डे के लिए है? फॉर 31 दिसंबर 2015, मतलब पूरे 1 साल का हमें बनाना है। फिर बोल रहा है जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन मटेरियल्स कॉस्टिंग ₹1,70,000 वेर सेंट टू द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 1,70,000 का मटेरियल भेजा गया था, लेकिन उसमें से जो 6,000 रुपए का मटेरियल है वो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया था। सो देखा जाए तो कितने रुपए का मटेरियल वहां पर यूज हुआ? यूज तो हुआ 1,70,000 माइनस 6,000, यानी कि 1,64,000 रुपीज का मटेरियल यूज हुआ। लेकिन जो खर्चा हो भी गया वो भी तो आ जाएगा हम लोगों का, वो भी तो हमारे मटेरियल्स अकाउंट में ही आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते करते देखेंगे। फिर बोल रहा है वेजेस ऑफ रुपीज 1,80,000 वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर।
फिर बोल रहा है प्लांट विथ अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख वॉज यूज फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 सितंबर एंड देन रिटर्न टू द स्टोर्स। तो ये जो प्लांट के लिए पैसे लिए गए थे, प्लांट खरीदा गया था ₹2,50,000 का, उसमें से जो दो लाख रुपए का प्लांट है वो 1 जनवरी से 30 सितंबर तक ही यूज हुआ है, यानी कि वो सिर्फ 9 महीनों तक यूज हुआ है, और बाकी का जो 50,000 का प्लांट है वो पूरा साल भर यूज हुआ है। मटीरियल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ ₹4,000 वेर एट साइट ऑन 31 दिसंबर 2012। मटीरियल ऑन साइट कितना है? ₹4,000। फिर बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर ₹6 लाख, 6 लाख रुपए है इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। फिर बोल रहे वर्क सर्टिफाइड वॉज 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट द एंड ऑफ 2015। ठीक है, अनसर्टिफाइड वर्क वॉज एस्टिमेटेड एट ₹15,000 ऑन 31 दिसंबर। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना है ये भी यहाँ पर हमें गिवन है डायरेक्टली। फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एट 25% ऑफ वेजेस, वेजेस जितना है उसका 25% कितना है एक्सपेंसेस। और बोल रहा है प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% फॉर द एंटायर ईयर। सो क्वेश्चन हम लोग का बस इतना ही है, अभी हम लोग इसके सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। जैसे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर भी हमने वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है। मटेरियल्स कितना है? 1,70,000। 2 लाख रुपए का मटेरियल वो लोग कॉन्ट्रैक्टी से लाए तो थे, लेकिन उन लोगों ने साइट पर कितना भेजा था? 1,70,000 का ही। वेजेस भी गिवन है 1,80,000। फिर बोल रहा है कि 6,000 रुपए का जो उनका डिस्ट्रॉय हो गया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो आपका कहाँ पर चार्जेबल होगा? इट विल बी चार्जेबल टू द कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ये जो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में जितना भी आपका खर्चा हुआ वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बाई कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट ₹6,000। फिर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पर बोला है कि मटीरियल ऑन साइट कितना रुपए था? 4,000। इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि मटेरियल ऑन साइट कितना है? 4,000। फर्दर हमें कैलकुलेट करना है। आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले, आपको डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस कैलकुलेट करके डेबिट साइड में लिखना ही है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो प्लांट है 2,50,000 रुपए का, जिसमें से 2 लाख रुपए का जो प्लांट है वो सिर्फ 9 महीने तक ही यूज हुआ है। सो वो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दो लाख इंटू कितना परसेंट है? 10%। 10% इंटू 9/12, 15,000। सो फर्स्ट 2 लाख रुपए के लिए हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000, और जो बाकी का 50,000 का प्लांट है जो कि साल भर में यूज हुआ है उसका कितना हो जाएगा? 10% डेप्रिसिएशन, सीधा कैलकुलेशन, इसका 15,000 और इसका हो जाएगा आपका 5,000, मिला के दोनों आ जाएगा टोटल ₹20,000 का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंसेस के बारे में कि जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट 25% ऑफ वेजेस। वेजेस हम लोग का कितना है? वेजेस है हम लोगों का 1,80,000, इसका 25% यानी कि 1/4 हो जाएगा 45,000। ये भी आ गया हमारे पास। सो जैसे कि हम लोग का फॉर्मेट बोलता है, सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे और ये सब लिखने के बाद जो हमारे राइट साइड में बैलेंस करने के लिए आता है बैलेंसिंग फिगर, उसका क्या नाम है? उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट, यानी कि आज तक कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉस्ट हम लोगों ने इनकर कर लिया है। सो इसको बैलेंस करने पर ये आ रहा है 4,05,000 रुपये।
अभी तक का जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है वो है 4,05,000। अभी इस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर ब्रॉड डाउन करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 4,05,000 रुपीज। और फिर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, और उससे हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट हम लोग का कितना आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड जो है ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 15,000। और अब देखते हैं क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड के बारे में क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 6,00,000 रुपए, और वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क का कितना है 80%। 6,00,000 का 80% कितना होता है 48, यानी कि 4,80,000 रुपए। दिस विल बी वर्क सर्टिफाइड विल बी 4,80,000 रुपीज। ये तीनों फिगर्स हमें मिल गए हैं, तो हम लोग इजीली जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि नोशनल प्रॉफिट वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। दिस विल बी 90,000 रुपीज। अब जो हम लोग का नोशनल प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ जाएगा 90,000 रुपीज। और अभी हमें क्या निकालना है कि नोशनल प्रॉफिट को हम लोग दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग को निकालना है कि वॉट इज द अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए हमें क्या जानना पड़ता है कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पर हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड जो है दिस इज 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क। सो यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिस इज 80%, मैंने गलती से 75% लिखा था, दिस इज 80%। एंड यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू PNL, क्योंकि ये 50% से ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3। एंड यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का नोशनल प्रॉफिट विच इज 90,000 रुपीज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट तो हमें पता है 4,80,000, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, यानी कि इसका 75%, 4,80,000 का 75%, 3,60,000। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 90,000 इंटू 2/3 इंटू 36/48, ये आ जाएगा आपका 45,000 रुपीज। PNL में आ जाएगा आपका 45,000, और रिजर्व्स में आपका बाकी का ट्रांसफर हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर भी आपका आ जाएगा 45,000। सो यहाँ पर भी वही सेम आंसर ही आया है ऑब्वियसली, PNL अकाउंट 45,000 एंड रिजर्व्स में भी चला जाएगा हम लोग का 45,000। यहाँ पर हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको एग्जाम में बनाने बोलेगा तो आपको ऐसे लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कहाँ से कितना ट्रांसफर हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 45,000। सो PNL में आ जाएगा ये क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 45,000। वैसे ही यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 6,000 वाला अमाउंट, सो ये 6,000 आ जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 6,000। फिर अगेन यहाँ पर एक्सपेंसेस में जो कॉन्ट्रैक्टी से उन लोगों ने लिया था 47,000, लेकिन उन्होंने खर्चा कितना किया था, खर्चा किया था उन्होंने 45,000। सो 2,000 का जो वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगा, और प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, जो 2,00,000 रुपए का प्लांट उन लोगों ने सितंबर में ही ले लिया था, उसके बाकी 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, ये PNL अकाउंट में आ जाएगा। सो इसको बैलेंस करने के बाद ये आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 32,000। और वैसे ही हमें एक बैलेंस शीट भी बनाना है,
बैलेंस शीट में आपको तो पता ही है, इस साइड में जितने भी लाइबिलिटीज हैं, आपका कैपिटल का अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है, फिर पीएनएल अकाउंट से जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, और फिर क्रेडिटर्स का भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, बिल्डिंग्स, बैंक और मटेरियल का जो स्टॉक है वो, फिर प्लांट अकाउंट, ये सब आपको पहले से ही गिवन है। बिल्डिंग्स तो आपको डायरेक्टली गिवन है, बैंक भी गिवन है डायरेक्टली, मटेरियल स्टॉक अकाउंट ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सो 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ही से वो लोग लाए थे मटेरियल, जिससे कि 1,70,000 तो फर्स्ट डे में ही उन्होंने भेज दिया था साइट पर, और जब ईयर खत्म हुआ तो मटेरियल उन्होंने रिटर्न कर लिया था 4,000 का। सो ये सबको दिस विल बी प्लस। सो ये सबको हमें सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मटेरियल का स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाएगा, यानी कि जो एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के, वो हो जाएगा 34,000। और प्लांट हम लोग के पास इनिशियली कितने रुपए का था? 2,50,000 का, जिसमें से कि हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 2,25,000। बिल्डिंग्स एंड बैंक्स गिवन है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में आ जाएगा आपका टोटल वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड मिला कि आपका टोटल हो रहा था 4,95,000 रुपीज़। उसमें से आप माइनस कर देंगे आपने कितना कैश रिसीव किया है, और उसमें से आप रिजर्व्स को भी माइनस कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये एक इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है, अ कंपनी ऑफ बिल्डर्स टुक अ मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर ₹40 लाख, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी ₹36 लाख एंड 80,000 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, 40 लाख माइनस 36 लाख एंड 80,000 रुपीज़ का। फर्दर बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव्ड ₹14 लाख, 14,40,000, 14 लाख एंड 40,000 बींग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अगर दिस मच इज 90%, तो 100% कितना होगा? 14 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 90% कितना हो जाएगा? 16 लाख। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू निकल गया, वर्क सर्टिफाइड जो है वो हो जाएगा 16 लाख रुपीज। फिर बोल रहा है, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वाज 40,000, यानी कि ये वैल्यू है वर्क अनसर्टिफाइड का। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेयर इनकर्ड, मटेरियल, लेबर एंड प्लांट गिवन है। मटेरियल कॉस्टिंग ₹20,000 वेयर डैमेज्ड। सो डैमेज जो हो जाता है या वेस्ट हो जाता है या एक्सीडेंटली खराब हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है? हम लोगों ने अभी अभी देखा था, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चला जाता है वो। प्लांट इज कंसिडर्ड एज हैविंग डेप्रिशिएटेड एट 25%। ओके, डेप्रिसिएशन हमें डालना है 25% का। और बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और जितना भी हो सकता है उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दो। ओके, सो इसका फॉर्मेट जो है ये मैंने पहले ही बना लिया था, अभी हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। सो मटेरियल का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख, लेबर का भी वैल्यू गिवन है 10 लाख, और जो डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर, प्लांट का वैल्यू है 80,000, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है दैट इज 25%। सो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000 रुपीज़, इसका 1/4। और फर्दर क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल जो है वो 20,000 रुपये का डैमेज हो गया था। सो डैमेज्ड मटेरियल का हम लोग कैसे लिखेंगे? बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट हो जाएगा 20,000। अब हमें क्या निकालना है? वर्क सर्टिफाइड कितना है? दिस विल बी 14,40,000 डिवाइडेड बाय 90%, ये हो जाएगा आपका 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आ जाएगा आपका वर्क सर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड तो आपको पहले से ही पता है। सो ये कितना हो जाएगा? प्लस
60, this much, this will be 16 lakhs and 60,000. So, अब हम लोग ये जो नोशनल प्रॉफिट है यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. ये आ गया आपका 16 लैक्स एंड 60,000 रुपीस. उसमें से हमें माइनस करना है 14 लैक्स एंड 20,000 रुपीस. माइनस करने पे ये आ जाएगा 2 लैक्स एंड 40,000. नोशनल प्रॉफिट आ गया आपका दिस मच. अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख रुपीस का. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो कितना है. सो यहाँ पर आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट बॉट डाउन 2,40,000 एंड इसके साथ हम लोग इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट PNL में ट्रांसफ़र करना है और कितना हमें रिजर्व्स में भेजना है. PNL में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा दैट विल बी कितना हो जाएगा. पहले उसके लिए हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट आपका परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है. 16/40 × 100. 40% काम आपका सर्टिफाई हो चुका है. 16 लाख और 40 लाख ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो 40% काम हो चुका है. सो PNL में कितना जाएगा 1/3 × नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड. इसका तो हमें परसेंटेज डायरेक्टली ही क्वेश्चन में गिवन है विच इज 90%. सो इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 × 90%. यहाँ पर आ जाएगा आपका 72,000. दिस इज 72,000 एंड रिजर्व्स में आपका बाकी का चला जाएगा. वन लैख एंड 68,000 रुपीज चला जाएगा आपका रिजर्व्स में. सो ये वाला जो क्वेश्चन आपको बुक में गिवन है उसका आंसर जैसा बुक में दिया है ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो सारे फॉर्मूला यूज किए गए हैं ये सब फॉर्मूला उसी केस में ही यूज होता है जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन स्टेज के करीब हो. लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ओनली 40% ऑफ द वर्क हैज बीन सर्टिफाइड. सो जिसका मतलब ये है कि हमें 1/3 वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19. यहाँ पर बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 December 2015 फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी. और यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. मटीरियल डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस मशीनरी ऑन साइट ये भी हमें गिवन है. फर्दर क्वेश्चन में बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट 7 वॉज बिगन ऑन 1 January 2015 यानी कि पूरे एक साल का बनाना है हमें. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 24 लाख रुपए एंड द कस्टमर हैज सो फार पेड रुपीज 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड जितना भी है उसका 80% है दिस मच. सो वर्क सर्टिफाइड कितना है अगर 12,80,000 इज 80%. सो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट है 16 लाख रुपीज. द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹16,000 यानी कि ये क्या है वर्क अनसर्टिफाइड का जो वैल्यू है वो है 16 लाख रुपीज. ऑन 31 December 2015 आफ्टर द अबव ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड मशीनरी कॉस्टिंग ₹32,000 वॉज रिटर्न्ड टू स्टोर्स. ओके एंड द मटीरियल्स देन ऑन साइट वेर वैल्यूड एट ₹27,000. प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू इज ₹6,000 एंड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल मशीनरी एट 12.5%. दिस इज 12.5% ऑन कॉस्ट. हमें क्या क्या बनाना है. एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली देखते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग पहले ये वाला साइड देख लेते हैं कि मटेरियल एट साइट 27,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है.
वर्क सर्टिफाइड हम लोगों ने निकाला 80% दिया हुआ था हमें, हम लोगों ने 100% निकाला विच इज 16 लाख रुपीज। वर्क अनसर्टिफाइड है 16,000 रुपीज। और यहाँ पर वैसे ही जो मटेरियल डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस ये सब भी हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में ही, ये हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। सो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है ऑन 31 दिसंबर 2015 आफ्टर द अबव ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ईयर एंड के दिन जो मशीनरी कॉस्टिंग ₹32,000 वो स्टोर्स में रिटर्न कर दिया गया है। सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं ना, इसको ही अपने क्रेडिट साइड में लिख देते हैं कि हाँ ये इतना मशीनरी रिटर्न हो गया था, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ऐसा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि जिस साल के लिए आप बना रहे हो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उस पूरे साल ये वहाँ पर साइट पर मौजूद था। सो इसका जो डेप्रिसिएशन है ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। सो अभी हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन मशीनरी, मशीनरी ऑन साइट कितना है 1,60,000 और यहाँ पर जो परसेंटेज गिवन है दैट इज 12.5, 1,60,000 इसका 12.5% दिस विल बी 20,000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन विल बी 20,000 रुपीज़। अब जब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा आपका बाय कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। फिर इसको हम लोग जब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे तो हम लोग जैसे नॉर्मल नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको अगेन हम लोग PNL और रिजर्व में डिवाइड कर लेंगे। PNL एंड रिजर्व में डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो चाहिए। सो 16 लाख का जो है वर्क सर्टिफाई हो चुका है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 24 लाख रुपए। सो दिस इज नियरली 66.6%। तो 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। सो हमें जितना प्रॉफिट PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, हमारा नोशनल प्रॉफिट जितना आएगा उतना मल्टीप्लाइड विथ 2/3 मल्टीप्लाइड विथ जितना आपने कैश पेमेंट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टी ने, यानी कि 12,80,000 डिवाइडेड बाय आपका कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है दैट इज 16 लाख रुपीज। ये कर लेने पे आपका आ जाएगा कितना अमाउंट आपको PNL में ट्रांसफ़र करना है और फिर आपको ये भी मिल जाएगा कि रिजर्व्स अकाउंट में आपको कितना रुपए ट्रांसफ़र करना है, बाकी का बचा जो बैलेंसिंग फिगर ये आपका मिल जाएगा। सिमिलरली आप लोग इसका PNL अकाउंट भी बना सकते हैं, वैसे ही बनाना है जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था एंड द सेम गोज फॉर द बैलेंस शीट एज वेल। सो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22 एंड 23 ये हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, अपने CMA दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।